हेलो गाइस, अभी जो मैं वीडियो लेके आया हूँ बेसिकली कार कंपैरिजन के ऊपर ही है। हमने एक पहले वीडियो की थी इसी तरह बाइक कंपैरिजन पे और कार कंपैरिजन पे भी की थी। कार इतनी वो डिटेल नहीं थी, तो इस वीडियो को जरा हम देखते हैं। इसका जरा टाइटल नोट कीजिएगा, मेड इन इंडिया कार देखकर भारत पाकिस्तान हैरान रह गया, भारत बमकर पाकिस्तान कारों की कीमत। तो ये बड़ी जबरदस्त वीडियो होने वाली है, नॉलेज टीवी की वीडियो है। जरा सा पहले वीडियो को देखते हैं, उसके बाद जो है इसके ऊपर थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। मेड इन इंडिया कार देखकर पाकिस्तानी सन ने कहा, इंडियंस इतनी अच्छी कार बना लेते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों, हम कोई पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। हम तो केवल यहाँ आपको सच बताने वाले हैं, अगर आपको झूठ लगे तो कहिएगा ज़रूर। दोस्तों, आज भारत कार बनाने में या कोई भी व्हीकल बनाने में बहुत आगे निकल चुका है, बड़े बड़े देशों का मुकाबला कर रहा है। लेकिन इस मामले में पाकिस्तान आज भी बहुत पीछे है। खुद पाकिस्तान के लोगों का भी मानना है कि भारत कार्स और व्हीकल्स बनाने में बहुत आगे है, जबकि पाकिस्तान में एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक अच्छी कार खरीदना भी बहुत मुश्किल है। ऊपर से वहाँ के मार्केट में कुछ गिने चुने मॉडल्स ही अवेलेबल होते हैं और वहाँ का मार्केट बहुत छोटा है, जबकि भारत में बहुत से अच्छे मॉडल्स ठीक ठाक अफोर्डेबल प्राइस रेंज में मिल जाते हैं। अब भारत की टाटा, महिंद्रा, स्कॉर्पियो और XUV 700 जैसी मेड इन इंडिया कार्स जो भारत में ही नहीं विदेशों में भी अच्छा बिजनेस कर रही हैं, उन्हें देखकर पाकिस्तानी काफ़ी सन्न रह जाते हैं। चलिए आपको बता दें कि क्यों खुद पाकिस्तानी भी इंडियन व्हीकल्स के फ़ैन हैं, पाकिस्तान में कौन सी ब्रांड की कार सबसे ज़्यादा बिकती है, पाकिस्तान भारत से कितना पीछे है और क्यों। दोस्तों, YouTube पर आपको ऐसी कई वीडियोस मिल जाएंगे जहां आप इंडियन कार्स को लेकर और पाकिस्तानी कार्स को लेकर पाकिस्तानियों का रिएक्शन देख सकते हैं। पाकिस्तानी खुद भी मानते हैं कि पाकिस्तान को भी भारत से कुछ तो सीख ही लेना चाहिए, खासकर व्हीकल मार्केट के बारे में, कैसे बिजनेस करना है, वर्क फोर्स कैसी होनी चाहिए, प्राइस रेंज क्या होनी चाहिए, ये सब सीखना चाहिए पाकिस्तान को भारत से, ऐसा खुद वहाँ की जनता कहती है। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार भी खुद पाकिस्तान की ब्रांड नहीं है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सेल होती है टोयोटा इंडस की कोरोला मॉडल। ये पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर और असेंबल तो होती है, मगर ये ब्रांड है जापान की। भारत में टोयोटा कोरोला 10 लाख से शुरू होती है, जबकि पाकिस्तान में यही कार शुरू होती है 45 लाख पाकिस्तानी रुपयों से। इतना फ़र्क है पाकिस्तान और इंडिया के मार्केट में। दोस्तों, भारत में कार्स की ब्रांड के बीच कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। भारत में 150 से 200 ऑटोमोबाइल ब्रांड्स और सैकड़ों मॉडल, हर महीने कोई बेहतरीन मॉडल आ ही जाता है, कोई ना कोई कंपनी लॉन्च कर ही देती है और उसकी प्राइस रेंज कस्टमर्स के अकॉर्डिंग ही रखनी पड़ती है, क्योंकि वैसे ही फीचर्स उस कस्टमर को किसी और ब्रांड के किसी और मॉडल में मिल ना जाए, इसलिए ऐसा करना जरूरी है। मगर पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, वहाँ जापान, चाइना और जर्मनी जैसी कंपनियों की ब्रांड्स हैं और वो भी अपने पुराने मॉडल्स को महंगे से महंगे मनमर्जी के दामों में सेल करते हैं, जिसे पाकिस्तान के ज्यादातर लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाते। जबकि अगर पाकिस्तान भारत की ब्रांड को अपने देश में एंट्री दे दे, तब वो लोग ज्यादा फायदे में रहने वाले हैं, क्योंकि इंडियन कंपनीज के लिए पाकिस्तान में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एस्टैब्लिश करना ज्यादा इजी होगा और पाकिस्तानियों को भी हर प्राइस रेंज में अच्छी फीचर्स वाली कार्स मिल जाएंगी। लेकिन ना तो भारत पाकिस्तान में अपनी ब्रांड्स पहुंचाना चाहता है और ना ही पाकिस्तान भारत की ब्रांड्स को स्वीकार करना चाहता है। आज भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ भी बढ़ चुका है और तो और भारत ने अपना खुद का फ्यूल बनाने पर भी काम शुरू कर दिया है और इस काम में काफ़ी प्रोग्रेस भी हो चुका है। वहीं पाकिस्तान में आज तक भी ऐसी बाइक्स का इस्तेमाल होता है जो भारत में लगभग 30 साल पहले बिकती थी। भारत में जो बाइक्स बनाई जाती है उनकी इंटरनेशनल मार्केट में भी काफ़ी डिमांड है, लेकिन पाकिस्तान के बाइक्स को लेकर खुद पाकिस्तान भी खुश नहीं रहता। खुद का फ्यूल बनाना तो दूर की बात है, पाकिस्तान में कोई भी ऐसी पाकिस्तानी कंपनी मौजूद नहीं है जो खुद के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने पर काम कर रही हो, इसीलिए विदेशी ब्रांड्स 10-10 साल पुराने मॉडल भी पाकिस्तान में बेच देते हैं और वो भी महंगे दामों में। पाकिस्तान की फर्स्ट लोकली डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड ईवी कार का नाम है NURE 75, NURE 75, और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कार 2024 तक पाकिस्तान में लॉन्च होगी, जबकि भारत में ऑलरेडी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफी पॉपुलर हो चुके हैं। उधर पाकिस्तान की सरकार भी अपने देश में किसी इन्वेंशन को या किसी भी बिजनेस को कोई सपोर्ट नहीं करती। ऊपर से पाकिस्तान बाहर से आने वाली कार्स पर इम्पोर्ट ड्यूटी और टैक्स बहुत ज्यादा लगा देता है, जिससे उनकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इसे आम पाकिस्तानी अफोर्ड नहीं कर पाते। गवर्नमेंट की तरफ से ना कोई इन्वेस्टमेंट होती है और ना इन्वेस्टर्स को भी कोई सपोर्ट मिलता है, बल्कि उनके ऊपर लायबिलिटीज़ और लिमिटेशंस अलग लगा दी जाती हैं। पाकिस्तान में जो कंपनियाज हैं, ना तो सरकार उन्हें कोई इंसेंटिव प्रोवाइड करती है, ना ही खुद वहाँ की बनाई हुई कार्स को खरीदती है, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को सारा माल चीन और जापान जैसे देशों से इम्पोर्ट करना पड़ता है
और उसकी सारी कॉस्ट जो महंगी पड़ी है वो कंज्यूमर से ही वसूली जाती है। जबकि भारत सरकार ने खुद ये अनाउंसमेंट की हुई है कि अगर कोई कंपनी खुद का इको फ्रेंडली फ्यूल बनाती है तो सरकार उसे पूरा सपोर्ट करेगी और इन्वेस्ट भी करेगी। भारत की मेड इन इंडिया पॉलिसी के बाद कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने टेक्नोलॉजी पर बहुत काम किया है। दोस्तों आपको ये जानकर भी बड़ी हैरानी होगी कि पाकिस्तान में 2020 तक तो एक सिंगल कंपनी भी ऐसी नहीं थी जो अपनी खुद की कार बनाती हो। केवल मिलिट्री एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो अपने खुद के व्हीकल्स असेंबल करती थी, और वहाँ के मिलिट्री व्हीकल्स भी कितने पिछड़े हुए हैं ये तो उन व्हीकल्स की फ़ोटोज़ देखकर आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों पाकिस्तान में 1998 से 2005 तक एडम मोटर कंपनी नाम से कार मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबलिंग कंपनी हुआ करती थी, जिसने पाकिस्तानी मार्केट में 3 मॉडल इंट्रोड्यूस किए थे। एडम रिवो जो एक फैमिली सिटी हैचबैक थी, दूसरा मॉडल था एडम बोल्टोरो, ये बेसिकली एक एसयूवी थी, और तीसरा मॉडल था एडम जबरदस्त जो कि एक मिनी ट्रक था। ये कंपनी जैसे तैसे 7 साल सर्वाइव कर पाई, लेकिन इन 7 सालों में ना ही पाकिस्तानियों का ना वहाँ की गवर्नमेंट का इस कंपनी पर कोई ध्यान गया। कोई अटेंशन ना मिलने की वजह से सन 2005 में कंपनी बंद हो गई। पाकिस्तान को जापानी कंपनियाँ ज़्यादा भा रही थी बजाय कि अपनी खुद की मेड इन पाकिस्तान कार्स के, और ये कंपनी बुरी तरह पिट गई। उसके बाद कोई खास डेवलपमेंट पाकिस्तानी व्हीकल मार्केट में देखने को नहीं मिला। वहाँ केवल असेंबली प्लांट्स हैं, कोई फुल्ली मेड इन पाकिस्तान कार नहीं है। साथ इन कंपनियों में एक अग्रीमेंट भी एग्जिस्ट करता है कि पाकिस्तान में असेंबल की गई किसी भी कार को पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट करना अलाउड नहीं है, तो यहाँ का काम यही सिमट कर रह जाता है। जबकि इंडियन मार्केट की बात करें तो US की टेस्ला जैसी कंपनी को भी यहाँ एंटर करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत ने बहुत पहले ही बाहर की कार कंपनीज पर अपनी डिपेंडेंस को कम कर दिया है, जबकि पाकिस्तान आउटसाइड प्लेयर्स पर पूरी तरह निर्भर करता है, और इसी वजह से पाकिस्तान जो भी जैसा भी मिलता है जिस दाम में भी मिलता है पाकिस्तानियों को वही टिका देता है। पाकिस्तान में पाक सुजुकी नाम की ब्रांड भी बहुत फेमस है, इसके कई मॉडल पाकिस्तान में बिकते हैं, मगर पाकिस्तानी ब्रांड नहीं है, ये जापान की सुजुकी की ही ब्रांच है, और ये आज के समय के सेफ्टी और एमिशन स्टैंडर्ड्स को भी पूरा नहीं करती। आज की तारीख में भी पाक सुजुकी का एक भी मॉडल एयरबैग तक भी ऑफर नहीं करता। सभी प्लांट्स में इंजन से लेकर गियर पार्ट्स तक सब कुछ इंपोर्ट किया जाता है, और वो भी पुरानी टेक्नोलॉजी का। वैसे भी ऐसी गाड़ियां बाहर खरीदेगा भी कौन, ना सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, ना कोई फीचर्स, और दाम इतने ज्यादा। अगर पाकिस्तान खुद की कार बनाना शुरू कर दे तो वहाँ गाड़ियों के दाम बहुत कम हो जाएंगे, हर प्राइस रेंज में कार मिलेगी। जब पाकिस्तान की जनता ही खुश नहीं है तो दुनिया क्या ही सोचती होगी। दोस्तों वैसे क्या सोचते हैं आप, पाकिस्तान के व्हीकल मार्केट का यह हाल देखकर आपके दिमाग में क्या ख्याल आया, अपना विचार कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। तो फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। देखें आप लोगों के सामने ये सारी सूरत हाल के एक डब्बे को, टीम के डब्बे को ये लोग इतना महंगा भेज देते हैं यहाँ पे, और चूना किसको लगता है, आवाम को ही लगता है, आम आदमी को लगता है। तो जो सिस्टम है ना वो कभी भी आम आदमी का यहाँ पे नहीं हो पाया, और बल्कि जो गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था यहाँ पे जो कि खुद कर रहा था, मेहनत कर रहा था, तो उसको भी बंद कर दिया। स्टील मिल यहाँ का जा चुका है, सब चीज़ें जितनी भी है ना पाकिस्तान को उखाड़ उखाड़ के, अगर कुछ अंडरग्राउंड भी होता ना पाकिस्तान में, अंडरग्राउंड जाके तोड़ते हैं उसको। तो ये सिस्टम का हाल है यहाँ के। अब कौन है, कैसा है, कौन कर रहा है, किस पॉलिटिशियन के का नाम लें, किस सिस्टम के किस मोहरे का नाम लें कि भाई ये कर रहा है वो, सब कुछ गुड मूड है, मतलब इतना कंफ्यूजन है कि आप कुछ नहीं कह सकते कौन किसका कितना हाथ है यहाँ पे, और किस किस्म की दवाई कौन कर रहा है। तो ये सूरत हाल है। अब इंडिया तो जाहिर सी बात है, इंडिया है ऑर्गेनाइज कंट्री, वो हर चीज़ अपनी देख देख के चल रहा है हर चीज़ को, और इंडिया के ऊपर इंडिया का वारी वारिस भी है ना कोई, मतलब ये कि उसको चलाने वाले भी लोग हैं, मतलब ये कि वहाँ के जो कंपनी के अंदर लोग हैं, जो कंपनियाँ हैं बहुत पुरानी इस्टेब्लिश हुई हुई हैं, और बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि समझती हैं और अपना पार्ट निभाती हैं पूरी तरह से। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं, उसके बाद फिर वहाँ के पॉलिटिशियन भी यहाँ के पॉलिटिशियन से बेहतर हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वही चीज़ आपको सिर्फ कार के अंदर दिखाई दे रहा है यहाँ पे इस वीडियो के अंदर, जो कार के अंदर जो बातें बताई हैं ना, समझ लीजिए यही हालात हैं इंडिया और पाकिस्तान के असल। ये इंडिया का अगर हर एक एक चीज़ को लेके पकड़ लें तो सिर्फ कार बताइए, अगर एक एक चीज़ को भी ले लेके पकड़ें तो मैं समझता हूँ 100 से ज्यादा वीडियो बन चुकी होंगी इसके ऊपर, और डिटेल अभी भी बाकी होगी काफ़ी। तो ये सूरत हाल है, अब इसके ऊपर क्या तजिया करें, डब्बा जो है वो बेच देते हैं ऐसा, फिर ये कि कोई वैसी गाड़ी हो बहुत ही लेवरेज गाड़ी हो तो वो बहुत महंगी बिकती है कि भाई इतनी महंगी गाड़ी, अरे भैया क्या हो गया, बेचारा कमा कमा के थक जाता है, जितने घर आते हैं उतनी गाड़ी आती है, बहुत हाल बुरा है। चलें गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।